इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स के लिए स्पेशली उन्होंने बोला कि पजल्स और प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट इसमें अगर तुम देखो तो काफी चीजें उन्होंने पूछी, सीएस फंडामेंटल्स भी पूछ लिया, कोडिंग भी पूछ ली, राइट, उन्होंने एप्टीट्यूड भी देख लिया, प्रोबेबिलिटी, प्रोपोजिशन, कॉम्बिनेशन, तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं एंड आई थिंक दैट विल रियली हेल्प इन क्रैकिंग दिस राउंड। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि यार मॉक इंटरव्यूज देते रहने चाहिए हमें, बिकॉज वो हमारे को रेडी करते हैं फॉर इंटरव्यूज और हम थोड़ा खुल जाते हैं, डरते नहीं है जब इंटरव्यूज में जाएंगे, तो प्लीज थोड़ा सीखो कि ढंग से हमें जो एटीट्यूड वाले आंसर है उनको कैसे देना है और किन चीजों का ध्यान रखना है। तो पता लगे लास्ट राउंड में पहुंच गए और इंटरव्यू राउंड सारे निकालिए बट एटीट्यूड के चक्कर में रिजेक्ट हो गए, बहुत बुरा लगेगा। Hi, myself Parekh here. So, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रैटेजी टू क्रैक अ कंपनी लाइक गोल्डमैन सैक्स। तो यार ये अमेजिंग कंपनी है टू वर्क फॉर, इसका अमेजिंग वर्क कल्चर है और पैसा भी अच्छा खासा देती है। आई थिंक सीटीसी 23 LP है जिसमें बेस 16 LP है, बाकी बोनस वगैरह है, तो अमेजिंग कंपनी है। तो इस वीडियो में मैं पूरी एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ द प्रिपरेशन टिप्स, हमें क्या ध्यान रखनी है, रिज्यूमे में क्या ध्यान रखना है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, इंटर्नशिप के लिए, फुल टाइम के लिए, सब लोगों के लिए है, एंड लास्ट में इंटरव्यू राउंड्स में क्या होता है, फर्स्ट राउंड में क्या होता है, ऑनलाइन राउंड में क्या होता है, एचआर राउंड में क्या होता है, वो सब चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जिससे कि तुम ध्यान कर सको कि हमें प्रिपरेशन के टाइम क्या ध्यान रखना है और किन चीजों को फॉलो करना है टू क्रैक अ कंपनी लाइक गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। और इसको मैंने किस बेसिस पे निकाला है, जैसे मैंने अगेन 5-6 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे हैं गोल्डमैन सैक्स के, जिसका मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां जाके रेफर कर सकते हो, बट ये चार चीजों का फाइनल आउटकम तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गोल्डमैन सैक्स ऐसी कंपनी कैसे निकालनी है। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, एंड स्टार्ट करने में सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स की। तो इसमें ना मैंने 7 प्रिपरेशन टिप्स निकाली हैं जो उन्होंने बताई है, तो उनसे आउटकम में मुझे ये सब पता लगा। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन वही है, हमें क्लीन नॉलेज होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की, मतलब एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से करनी आनी चाहिए, ठीक है, तो ये तो हमें जानना ही पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन दिया जाता है और उसी टाइम जब तुम सॉल्यूशन बताते हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है और वो गलत नहीं बता सकते वरना उसी टाइम बाहर, ठीक है। फिर नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डज नॉट मैटर मच, अगर तुम्हारे पास सिंगल एक प्रोजेक्ट भी है बट हाई क्वालिटी है कि तुम उसके बारे में अच्छे से बता पाते हो तो दैट इज गुड इनफ, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन, अगेन प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी तभी हमारा होगा। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स के लिए स्पेशली उन्होंने बोला कि पजल्स और प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो लोग इंटरव्यूज में या ऑनलाइन राउंड में इन चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं तो इन चीजों को हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। हमें प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने फिर नेक्स्ट बोला कि हमें प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पूरा एंड टू एंड पता होना चाहिए, कोई भी चीज हम मिस नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि यार मॉक इंटरव्यूज देते रहने चाहिए हमें, बिकॉज वो हमारे को रेडी करते हैं फॉर इंटरव्यूज और हम थोड़ा खुल जाते हैं, डरते नहीं है जब इंटरव्यूज में जाएंगे, ठीक है। सो दीज वर द अमेजिंग 7 प्रिपरेशन टिप्स जो मैंने उनके से निकाली और ये मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि ये चीजें हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए, दैट रियली हेल्प्स इन द इंटरव्यू राउंड्स एज वेल एंड ओवरऑल क्रैकिंग अ कंपनी, ठीक है। फिर इसके बाद लेट्स डिस्कस द रिज्यूमे टिप्स। रिज्यूमे में आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने डिस्कस करा कि राइट फॉर्मेट होना चाहिए, तो गोल्डमैन सैक्स स्पेशली उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है कि इस फॉर्मेट में डालो अपना रिज्यूमे, तब वो शॉर्टलिस्टिंग में ज्यादा हेल्प करता है। इसमें सबसे ऊपर होना चाहिए एजुकेशन, ठीक है, फिर उसके बाद होनी चाहिए जीपीए तुम्हारी क्या आ रही है, फिर उसके बाद होना चाहिए तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का या कोई भी, अगर तुम सीनियर हो तो पुराना का एक्सपीरियंस रहा है, फिर उसके बाद होने चाहिए प्रोजेक्ट्स जिस भी प्रोजेक्ट पे तुमने काम करे हैं, और लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला है फिर अचीवमेंट्स होनी चाहिए। आई थिंक ये 5 चीजें होंगी तो दैट इज मोर देन एनफ, बट ये ऑर्डर जरूर सेम ऐसे ही रखना स्पेशली फॉर अ कंपनी लाइक गोल्डमैन सैक्स, राइट, उनकी वेबसाइट पे मेंशन है ये। तो इसी में मैं बोलना चाह रहा था वो लिंक जो है उनका जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो काफी हेल्पफुल होगा फॉर प्रिपेयरिंग योर रिज्यूमे। फिर उन्होंने बोला अगर यार एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट को अच्छे से सॉलिडिफाई करो, मतलब प्रोजेक्ट पे क्या है, क्या टेक स्टैक यूज कर रहा है, राइट, और उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है ये ढंग से बताओ, टेक स्टैक में स्किल्स मतलब टेक्नोलॉजी बताओ तुमने क्या यूज करी है, रूबी ऑन रेल्स यूज करी है, जेंगो यूज करी है, नोड जेएस यूज करी है, दीज आर वेरी वेरी मच हेल्पफुल जो तुम्हारे को रिज्यूमे में स्टैंड आउट करने में ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। सो दीज वर द रिज्यूमे टिप्स अकॉर्डिंग टू देम, अगर तुम अच्छे से फॉलो कर लोगे, और वो लिंक जो है वो भी मैं डलवा दूंगा, वहां अच्छे से तुम रिज्यूमे के बारे में भी पढ़ लेना,
ठीक है. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस, है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देखो इसमें था ऑन कैंपस वालों के लिए जनरली एलिजिबिलिटी थी अबव 7 CGPA होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो फुल टाइम हो चाहे इंटर्नशिप हो. तो 7 CGPA उन्होंने बोला कि उन्हीं के अबव वालों को अलाउड था. तो ऑन कैंपस में तो यही था, ऑफ कैंपस में अगेन इंपॉर्टेंट था, उन्होंने रेफरल के थ्रू अप्लाई करा है, उन्होंने लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करा है या फिर ईमेल करा है. सो रिक्रूटर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, गोल्डन सैक्स के रिक्रूटर्स जो लिंक्डइन पर है या बेसिकली गोल्डन सैक्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा टच में रह के दे वर एबल टू गेट अ रेफरल एंड उसी के थ्रू उनको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी मिली है. तो टेंशन नहीं है, मिल जाती है, बट अगर जो इन्होंने प्रिपरेशन टिप्स बोली है, रिज्यूमे टिप्स बोली है, उनको हम अच्छे से फॉलो करें, दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू गेट अ रेफरल इन गोल्डन सैक्स. ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो तुम्हारा इंटरव्यू राउंड या बेसिकली कैसे इनके राउंड वगैरह चलते हैं. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो ऑफ कैंपस जो इंटर्नशिप है और फुल टाइम है ना, इंटर्नशिप में जनरली क्या है कि ऑफ कैंपस जो था उसमें 6 राउंड हुए थे, ठीक है, काफी ग्रिल डाउन हुआ था, और जो ऑन कैंपस था उसमें केवल 3 ही राउंड हुए थे. ठीक है, तो इंटर्नशिप में थोड़ा ग्रिल डाउन ज्यादा हुआ था, और इसके अलावा फुल टाइम में ऑफ कैंपस में 5 राउंड हुए थे और ऑन कैंपस में 4 राउंड हुए थे. ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एक्स्ट्रा राउंड क्या होता है ऑफ कैंपस में. तो यार ऑफ कैंपस में जो फर्स्ट राउंड होता है वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड होता है, उसके अंदर कोई कोडिंग नहीं आती, उसमें एप्टीट्यूड के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये स्पेशली फॉर ऑफ कैंपस पीपल है, चाहे इंटर्नशिप हो चाहे फुल टाइम हो. फर्स्ट राउंड होगा, उसके अंदर एप्टीट्यूड के क्या होंगे, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के 8 MCQ आएंगे उसके अंदर, न्यूमेरिकल रीजनिंग के 12 MCQ, कॉम्प्रीहेंशन के 10 MCQ, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 12 MCQ, डायग्रामेटिक रीजनिंग के 12 MCQ, लॉजिकल रीजनिंग के 12 MCQ, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. तो हर करेक्ट आंसर के +5 और नेगेटिव आंसर गलत हो तो -2. तो तुम्हारे अराउंड 66 MCQs आते हैं जो तुम्हें फटाफट करने होते हैं, तो +5 और -2 की मार्किंग होती है, और इसके बेसिस पे तुम नेक्स्ट राउंड में जाओगे. तो थोड़ा सा अगर तुम देखो तो एप्टीट्यूड पे अच्छा खासा फोकस्ड है, स्पेशली इन ऑफ कैंपस राउंड. ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, ऑन कैंपस को जो फर्स्ट राउंड होता है या ऑफ कैंपस के जो सेकंड राउंड होते हैं वो क्या होता है, वो हैकर रैंक पर होते हैं, अगेन एक हैकर रैंक पर टेस्ट होता है, ये काफी कॉमन है. तो दिस इज लाइक अ स्पेसिफिकली फर्स्ट राउंड. ठीक है, अब वो ऑफ कैंपस का फर्स्ट राउंड एक अलग हो गया, बट इवेंचुअली अब तुम्हारा शॉर्टलिस्टिंग आगे राउंड्स का इसके बेसिस पर होगा. इसमें क्या होता है, एक हैकर रैंक पर टेस्ट होता है जिसमें शुरू के 30 मिनट्स में 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, एक ईजी और एक मीडियम लेवल का. ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा एक 25 मिनट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है जिसमें 7 MCQ आते हैं. तो अगेन वो जो बोल रहे थे प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेटरिक्स, राइट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर तुम्हारे 8 MCQ आते हैं जिसके अंदर वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, OS, DBMS, OOPS, इन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक इसको भी हमें मिस नहीं करना चाहिए. फिर उसके बाद एक कोडिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो थोड़ा हार्ड लेवल का होता है. और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, 2 SA क्वेश्चन आते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ वगैरह. ठीक है, तो ये तुम्हारा इफेक्टिवली राउंड होता है जिसके बेसिस पे नेक्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्टिंग होगी. बट इसमें अगर तुम देखो तो काफी चीजें उन्होंने पूछ ली, तो CS फंडामेंटल्स भी पूछ लिया, कोडिंग भी पूछ ली, राइट, उन्होंने एप्टीट्यूड भी देख लिया, प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन. तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, एंड आई थिंक दैट विल रियली हेल्प इन क्रैकिंग दिस राउंड. ठीक है, इसके अलावा जो बाकी इंटरव्यू राउंड्स हुए उसमें मोस्टली फोकस जो था, चाहे कोडिंग क्वेश्चन ऑनलाइन राउंड में आया हो चाहे इंटरव्यू राउंड में आया हो, तो मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बेसिस पे थे. ट्रीज हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली एक बंदे ने बोला था काफी ज्यादा पूछा जाएगा, आएगा या आएगा क्वेश्चन, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है. हैश मैप आया है, पजल्स के क्वेश्चन आए हैं, राइट, ऊप्स के क्वेश्चन आए हैं, OS के क्वेश्चन आए हैं, प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ है. तो अगर तुम देखो इंटरव्यू राउंड पूरा इस पे ग्रिल डाउन होता है, तो इन चीजों को हम मिस नहीं कर सकते. स्टैक्स में भी क्वेश्चंस आए हैं, OS में वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, DBMS में एसेट प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं. दीज आर फॉर द टेक्निकल राउंड्स, मैंने एक्चुअल राउंड की बात नहीं करी अभी, दीज आर फॉर द टेक्निकल राउंड्स. तो डेटा स्ट्रक्चर जो है, ट्रीज, लिंक लिस्ट, हैश मैप पूछे जा रहे हैं, अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं. ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अच्छा खासा पूछा जा रहा है, प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो रहा है, OS, DBMS, तो प्लीज इन चीजों को मिस नहीं करते, एंड इन चीजों को अपनी प्रिपरेशन में ध्यान से रखते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स विल रियली हेल्प अस इन क्रैकिंग दोज राउंड्स. ठीक है, आई थिंक इसके अलावा उसके बाद उन्होंने बोला HR राउंड में या जिन जनरल डिस्कशन में क्या होता है, दे आस्क अ लॉट कि तुम्हें गोल्डमैन सैक्स क्यों ज्वाइन करनी है, राइट, वो सिचुएशन प्रॉब्लम्स देते हैं कि तुम्हारी डेडलाइन अप्रोच कर रही है और तुम्हारा काम नहीं हुआ तो कैसे बात करोगे मैनेजर से, तो एटीट्यूड चेक भी वो अच्छे से करते हैं. तो HR राउंड में हमें तमीज से आंसर देना है कि गोल्डमैन सैक्स क्यों ज्वाइन करना है. फिर वो बहुत चीजें पूछते हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने ऑफर नहीं दिया तो इंटर्नशिप में तो तुम ऑफेंड तो नहीं होगे, आई थिंक दे आर आस्किंग टू मच क्वेश्चंस. तो प्लीज उन चीजों को थोड़ा पढ़ के जाओ, इन इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में से पढ़ो कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे उनका जवाब देना है.
है ना, तो पता लगे लास्ट राउंड में पहुंच गए और इंटरव्यू राउंड सारे निकालिए बट एटीट्यूड के चक्कर में रिजेक्ट हो गए, बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सीखो कि ढंग से हमें जो एटीट्यूड वाले आंसर है उनको कैसे देना है और इन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे काफी सारे ग्रिल डाउन हुए हैं क्वेश्चन, तो प्लीज, और हर एक में हुआ है, इंटर्नशिप में भी और प्लेसमेंट में भी, तो इन चीजों का बहुत अच्छे से अपने में ध्यान रखते हैं। ठीक है, बाकी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की तो तैयारी कर ही सकते हैं, बाकी ओवरऑल प्रोजेक्ट भी पूछा जा रहा है, ओएस फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी पूछे जा रहे हैं, ओएस डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो हमें एक तैयारी तो इन सब चीजों की करनी पड़ेगी तभी जाके गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी निकलेगी। तो यार मैं हमेशा बोलता हूँ चीजें कॉमन ही है, बट गोल्डमैन सैक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये चीजें तो सबके लिए लाइक कोडिंग क्वेश्चंस हो गए, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हो गए, बट गोल्डमैन सैक्स के लिए क्या है, एप्टीट्यूड पे फोकस कर रही है, राइट, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं ना, है ना, स्पेसिफिकली गोल्डमैन सैक्स हो गई या डी शॉ भी होती है, सिमिलर टाइप की कंपनीज है, वो चीजें थोड़ा इन चीजों पर फोकस करेंगी। ठीक है, तो आई थिंक अगर तुम देखो तो प्रिपरेशन की तुम्हें अच्छे से तैयारी का पता लग गया होगा, तुम्हें रिज्यूमे का अच्छे से पता लग गया होगा, तुम्हें पता लग गया होगा कि अप्लाई कैसे करना है और ओवरऑल इंटरव्यू राउंड कैसे निकालने हैं। बाकी तुम्हें और पढ़ना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उनको जाके फॉलो करो, वहां से अच्छे से पढ़ाई करो। कोई और तुम्हारी सजेशन हो जो मेरे को इन वीडियोस में ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी वीडियोस में, मैंने इससे पहले Amazon, Microsoft, Google की भी बनाई हुई है, वो भी अगर तुमने नहीं देखे तो उनको जाके देखो। कोई और सजेशन हो जो मुझे ध्यान रखना हो तो प्लीज उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई और टाइप की वीडियो तुम्हें चाहिए हो तो उसको पक्का मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो यार लाइक एंड शेयर करो, है ना, सब्सक्राइब करो चैनल के लिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज हम लोग ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं, तुम्हारी हेल्प करते रहते हैं, तो प्लीज हमें भी मोटिवेटेड रखो और चैनल को अच्छे से बढ़ाओ। ओके, आई थिंक दिस वुड रियली हेल्प एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।